तो स्वागत है भाई लोग को न्यू फ्रेश वीडियो में यार। भाई लोग तो फाइनली वी आर रैंक का न्यू सीजन 39 आ चुका है भाई लोग कैसे। और ये अपना वी आर रैंक का सीजन 38 का रिकैप। तो अब भाई सीजन 38 का तो आप लोग को पता है, आप लोग ने अपनी फ्रेंड के एडे में ग्रैंड मास्टर अचीव किया था और साथ में M10 का इंडिया वेपन कोई टाइटल भी अचीव किया था। बट इस सीजन आप लोग अपनी मेन आईडी में पुश करने वाले और अपनी मेन आईडी मास्टर के 2 स्टार पे थी और मास्टर के 2 स्टार से अपन लोग सीधा डायमंड फर्स्ट पे आ जाते और अपन लोग ने थोड़ी बहुत भी वेपन गोली बढ़ाई थी, क्योंकि भाई मैं जस्ट अभी पुश किया था जैसे मेरे को पता चला न्यू सीजन आने वाला है और मास्टर के 2 स्टार से अपन लोग सीधा डायमंड फर्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी अपन लोग डायमंड फर्स्ट से ग्रैंड मास्टर के लिए पुश करने वाले और इस सीजन में अपनी मेन आईडी में भी ग्रैंड मास्टर अचीव करूंगा, क्योंकि पिछला सीजन तो मैंने फ्रेंड की आईडी में अचीव किया था। तो चलो अभी अपन लोग बढ़ते अपना सीजन 39 के फर्स्ट गेम की ओर। अवेरा सीजन 39 का पहला गेम यार भड़ कर गए। सर पहला ही गेम इतना ज़्यादा इंटेंस हो जाता है कि मैं जोन में फंस जाता हूँ, बट वो तो अच्छा होता है कि मेरे को 2 व्हीलर मिल जाती है जिससे मैं 2 किल कर लेता हूँ, वरना मैं जोन में मर जाता और एक बंदा मेरे को कब से परेशान करता है। तो मैं इसको भाई 57 का व्हीकल से डैमेज देता हूँ और VSS से बॉडी मारता हूँ और ये नॉक हो जाता है और फटक से VSS से पूरा ले लेता हूँ, क्योंकि भाई लोग VSS में top 1 पुश करने वाले इंडिया के लिए। ठीक है, तो चलो फाइनली मैंने इसको पूरा ले लिया। अभी इसके अपन लोग फटाफट लूट भी कर लेते हैं, क्योंकि यार अपनी वेस्ट पूरी ब्लैक हो गई। चलो फटाफट मैं वेस्ट को भी रिपेयर कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, 4 की वेस्ट परचेस कर लेता हूँ, बट टोकन नहीं है मेरे पास। तो चलो 3 की वेस्ट रिपेयर करके मैं सीधा आ जाता हूँ लास्ट जोन में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई एक बंदा व्हीकल यूज कर रहा है और एक बंदा यहाँ पर भी भड़क रहा है, इसके ऊपर चढ़ा है, टॉप पे चढ़ा है। एक बंदा और दिख जाता है मेरे को, अचानक से मेरे व्हीकल के सामने आ जाता है। तो मैं इसको फटाक से डैमेज देता हूँ और व्हीकल से उतर के फटाफट ट्रॉगन का बॉडी भर देता हूँ। इसने मेरी व्हीकल चुरा ली थी, बट एट द एंड अपन लोग ने इसको मार दिया। चलो कोई ना, अभी अपन लोग फटाफट भाई सीधा मॉन्स्टर ट्रक लेके आ जाते हैं, क्योंकि भाई मेरी व्हीकल डैमेज हो गई थी और भाई मैं मॉन्स्टर ट्रक उठा के आई था और एक बंदा मेरा मॉन्स्टर ट्रक फोड़ देता है, क्योंकि भाई वो पूरा कवर में था, ऊपर चल के मेरा मॉन्स्टर ट्रक कब से डैमेज दे रहा था और मैं कहीं जा भी नहीं सकता था कि भाई पूरा कहीं कवर में चला जाऊँ, तो भाई इसने मेरा मॉन्स्टर ट्रक फोड़ दिया। अब सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे बचे, एक बंदा वहाँ पर है और एक बंदा यहाँ पर। मैं नेट करता हूँ, वेट, और मेरा नेड वेस्ट हो गया। चलो कोई ना, अभी मेरे को उस पीछे वाले बंदे को भी देखना पड़ेगा और एक बंदा मेरे आसपास भी था, बट मैं इसको देखता हूँ पहले। 1 सेकंड ये रस कर रहा है, 200। ओ भाई, इसने मेरा हेलमेट फोड़ दिया। बंदा फिर से रस कर रहा है, इसको फिर से डैमेज दिया, बट भाई बंदा मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया और एक पीछे वाला बंदा भी मेरे ऊपर अटैक कर दिया, मतलब कि दोनों साइड से पड़ने लगी थी। तो मैं फटाफट पैक कर लेता हूँ। चलो कोई ना, अभी अपने पास 4 किल तो हैं, बट मेरे को भले कैसा भुया करना है। VSS की ग्लोरी भी समथिंग 100 मिल ही जाएगी। अब 1 सेकंड दोनों बंदे मेरे पीछे पड़ गए, तो मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा। इन दोनों की फाइट करने देता हूँ मैं। तो चलो ये दोनों फाइट कर रहे हैं, जिसमें से एक बंदे को इसने पेल दिया। तो चलो, अच्छा वही वाले बंदे ने पेल दिया जिसने अपन लोग का मॉन्स्टर ट्रक फोड़ा था। तो चलो अभी सिर्फ उसी को अपन लोग को मारना है और अपन लोग को भुया मिल जाएगा। तो चलो वेट, इसके मैं लूट कर लेता हूँ। मेरे पास ग्लोवल वगैरह भी हो गए। 4 की वेस्ट मेरे को अभी तक नहीं मिली भाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फेस करेगी। 3rd की वेस्ट आप लोग को पता है उतनी ज़्यादा अपन लोग को नहीं बचा सकती। ग्रेनेड किया, 1 ग्रेनेड वेस्ट, बंदा यहाँ से आएगा रोटेशन लेके, 1 बॉल डाला और उस ग्रेनेड से भी बच गया बंदा। भाई कसम से यार, कितना बढ़िया खेल रहा है भाई ये। रोको वेट, अपने पास ट्रॉगन है, बंदे के पास 2 शॉटर है। ट्रॉगन का 1 शॉट 2 शॉट कनेक्ट हुआ और भाई दूसरे वाले शॉट में बिल्कुल भी डैमेज नहीं निकला बंदे को, और मेरे को इसने बट बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया। बंदे के पास 4 की वेस्ट है। सिर्फ यार अपना जो दूसरा शॉट है ना, जो लास्ट वाला शॉट है भाई, पूरा रिकॉइल मार जाता है और यहाँ पे मैं मर जाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पहला गेम top 2 में जाके अपन लोग मर जाते, बट अपन लोग को VSS की 100 समथिंग ग्लोरी मिल जाती, 98 की और 44 की प्लस मिल जाती, जो कि अपन लोग को चाहिए। बट भुया होता तो और भी बढ़िया रहता। अब ये रहा सेकंड गेम, इस गेम में मेरे को VSS तो नहीं मिली थी, क्योंकि मैं कैपटाउन पर लैंडिंग किया था और मैंने अर्सेनल भी देख लिया था, क्योंकि आपको पता है VSS मतलब ऐसे मैप में बहुत ही कम मिलती, अर्सेनल में मिलती, तो अर्सेनल में कभी कभार मिलती है, अर्सेनल में भी कभी कभी नहीं मिलती। तो मेरे को M24 मिल जाती, एक बंदे को 1 M24 का शॉट कनेक्ट किया और बंदे ने भी मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया। फटाफट मैं K करेक्टर को HP में कन्वर्ट करता हूँ और इसको 1 सेकंड फाइनली एक हेड कर गया और बंदी गई इसके पास एरो जलाने, इसको फिनिश करते हैं। हाँ, तो भाई मेरे को VSS तो नहीं मिली थी, बट मेरे को M24 मिल गई थी, जिसकी ग्लोरी सबसे कम। अगर आप लोग को कोई वेपन चाहिए जिसकी ग्लोरी सबसे कम रहती, 2-3 हज़ार, लास्ट सीजन भी जाएगा ना तब भी इसकी ग्लोरी 2-3 हज़ार रहती, तो मेरे को ये गन मिल गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको यूज कर लिया जाए, 1-2 गेम में 500 की ग्लोरी मिल जाएगी, बढ़िया रहेगा। 1 सेकंड हेड, तो फाइनली बढ़ करके 1 किल हेडशॉट से कर लिया अपन लोग ने M24 से, तो बढ़िया है, अभी अपन लोग को उसको ग्लोरी भी मिल जाएगी। तो चलो टोटल 3 किल हो गए। अभी मेरे को यार आगे साइड जाना पड़ेगा और 1 सेकंड सामने फाइट हो रही, 2 बंदे हैं भाई वहाँ पर। एक को 28 का शॉट कनेक्ट हुआ, ये गन है ना बहुत कम डैमेज देती, और एक को 82 का शॉट कनेक्ट और एक एलिमिनेट हो गया
और फाइनली बुझिया हो गया यार, मेरे को पता ही नहीं चला टोटल 3 बंदे थे यार वहाँ पे। चलो कोई ना, इसी के साथ अपन लोग को भड़कर गैस 41 का प्लस मिलता है इस गेम में, और जैसे ही बैक करते तो अपन लोग को भड़कर गैस M24 की मात्र 48 की ग्लोरी मिलती है, क्योंकि इस गन की ग्लोरी भी थोड़ी कम मिलती। अब इस गेम में भाई मेरा 0 किल था भाई, और VSS सच बता रहा हूँ मेरे को भाई जस्ट अभी मिली थी, क्योंकि भाई VSS मिलती नहीं है, और भाई इसको मैं लेवल अप भी नहीं कर पाया था। बट भाई मतलब देख रहो किस्मत, बिना लेवल अप करे भी 1 किल कर लिया हूँ। चलो बढ़िया, अभी मेरे पास व्हीकल तो है बट ए वाली व्हीकल डैमेज हो गई और ऊपर एक व्हीकल पड़ी हुई है, तो मैं इसको फटाफट उठाने की ट्राई करता हूँ, और फाइनली मैं इस वाली व्हीकल को भी उठा लेता हूँ सक्सेसफुली। और ए वाली भी उतनी डैमेज है, थोड़ी हल्की सी ज़्यादा है। तो चलो एक सेकंड पीछे बनते हैं, तो मैं इनसे बचता हूँ क्योंकि भाई मेरी व्हीकल ऑलरेडी डैमेज है, और मेरे पास 4 की वेस्ट तो है इस बार, 1 ही किल है बट मेरा भाई, और टॉप 5 मैंने कर लिया। चलो कोई ना, मेरे को 1 किल तो करना पड़ेगा, तो चलो मैं रिक से ले लेता हूँ, क्योंकि देखो यार अपन लोग की VHS वैसे भी लेवल अप है नहीं। एक सेकंड बनता है भाई, 2 शॉट कनेक्ट हुई, इसकी वेस्ट फट गई। वेट, मेरे पास ग्लोबल मैटर है, ग्लोबल मैटर फेंका हूँ, और बंदा यहाँ से भागने में, नहीं अभी नहीं भागा, लेकिन अब भाग रहा है। एक शॉट कनेक्ट हुआ, दूसरा शॉट कनेक्ट, और बंदा फिनिश। चलो इसको फटाफट भर करके ऐसे लूटते हैं भाई, लूट के मैं सीधा व्हीकल उठा के आ जाता हूँ, अपनी वही वाली व्हीकल थी जो कि थोड़ी सी मतलब डैमेज थी। तो चलो एक बंदी यहाँ पे, भाई इसके पास कोई लूट नहीं है क्या भाई? गजब बंदी यार, इसके पास लूट नहीं है भाई साहब, क्या कर रही थी भाई ये जब से। चलो कोई ना, अपने 3 किल हो गया, अभी अपने पास VSS भी, और इस गेम में बुइया कर लिया। तो एक सेकंड मेरे को एक और व्हीकल दिख गई भाई, व्हीकल दिख जाती ना तो भाई मैं बुइया पूरा कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि भाई व्हीकल मैं बढ़िया चलाता हूँ, और जब जब भी मेरे को व्हीकल मिली समथिंग मैंने 90% गेम विन करे। वेट, लेकिन यार मैं ग्रेनेड से गेम को विन कर सकता हूँ आई थिंक, क्योंकि दोनों के दोनों बंदे वहीं पर है, एक को 70 का डैमेज और एक बंदे को मात्र 17 का डैमेज है। अच्छी भाई, और भाई वो वाला बंदा मर गया जिसको 70 का डैमेज आया था ना, वो जोन में मर गया बढ़िया, लेकिन इसको तो मेरे को मारना पड़ेगा। और ट्रॉगन का डैमेज, लेकिन एक सेकंड भाई बंदा तगड़ा खेल रहा है, मेरे को व्हीकल उठानी पड़ेगी, तो चलो मैं जल्दी से व्हीकल उठा लेता हूँ। फाइनली मैंने व्हीकल उठा ली, मेरा 4 किल हो गया, अभी इसको अपन लोग व्हीकल से ठोकेंगे तभी उतर के मारेंगे, ठीक है? तो चलो फाइनली अभी बंदा बच गया, अभी मैं जैसे इसको ठोकूंगा ना तो उतर के मारूंगा। ओ यार किस्मत, देख रहा हूँ कितना दूर फिका गया वो। चलो कोई ना, अभी मैं सीधा रस करता हूँ उसके ऊपर, और मेरी व्हीकल फंस गई लॉल। भाई किससे ज़्यादा ख़राब किस्मत क्या ही हो सकती है। और भाई मेरी ट्रॉगन देख रहा हूँ भाई, ट्रॉगन का इस वाले अपडेट में बहुत तगड़ा, मतलब सब कुछ ख़त्म कर दिया, डैमेज से लेके रेंज से लेके भाई, अब ट्रॉगन काम की बची नहीं। और आपको पता है मेरे पास गन स्किन नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है मेरे को पुश करने में। तो चलो इस गेम में 32 की प्लस मिलती है, और बाकी मैं ज़्यादातर गेम में टॉप 2 कर पा रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे नाइट के गेम विन होते हैं, दिन के गेम विन नहीं होते। तो चलो कोई ना, तो इसमें अपन लोग को 32 की प्लस मिलती है, डायमंड 3 के लिए बस मेरे को 1-2 की प्लस चाहिए। जैसा कि बोल रहा हूँ ना, नाइट के गेम आसानी से विन करता हूँ, क्योंकि फ़ोन वगैरह हीट नहीं करता है, बाकी दिन में नेटवर्क भी छोड़ता है, और नाइट में मैं छत के ऊपर आके खेलता हूँ तो मेरा बढ़िया नेट चलता है, दिन में मैं छत के ऊपर आ ही नहीं सकता क्योंकि गर्मी में आप लोग को पता है। तो चलो कोई ना, अभी गेम पे फोकस करते हैं। इस गेम में भी मेरे को VSS लेट मिली, अधिकतर गेम में जब भी मेरे को VSS मिलती ना तो उसके चक्कर में मैं किल नहीं कर पाता, क्योंकि मैं VSS को ही फाइंड करते रहता हूँ। और भाई इतना देर में VSS मिली तो भाई भुया हो या ना हो, ग्लोरी अगर नहीं मिली ना तब पूरा मूड खराब हो जाएगा कसम से। चलो कोई ना, अभी देखते हैं भाई, ग्लोरी तो पूरी चाहिए। इस वाले बंदे को मैं आने नहीं दूंगा जोन में, हेड तो मारूंगा ताकि मेरे को ग्लोरी पूरी मिल जाए। ग्रेनेड कूद करके फेंकता हूँ, फाइनली ग्रेनेड फेंक दिया, और ग्रेनेड में 71 का डैमेज, बंदे ने गलती करी और फाइनली एक हेड गला। छी यार, अभी भी किल नहीं मरा मेरे को, ग्लोबल मैटर है मेरे पास, फटक से ग्लोबल मैटर फेंक देता हूँ, और अब तो बंदा निकलेगा पक्का। और बंदा निकल के मेरे को मारने का ट्राई करता है, और एक 107 का और एक 159 का हेडशॉट कनेक्ट हो जाता है, और मैं फटाफट बढ़ करके पीछे आके मेडिकेट मारने लगता हूँ, और एक मेडिकेट और मारता हूँ, और यहाँ पे इतने में एक बंदा आ जाता है भाई, मैं इसको देख ही नहीं पाता हूँ कसम से, क्योंकि भाई रात में बहुत ज़्यादा नींद आने लगी थी मेरे को। तो चलो 29 की प्लस मिलती है, क्योंकि भाई सीजन मतलब 2:30 बजे आया था और मैं 6 बजे से पुश कर रहा था। तो चलो फाइनली अपन लोग डायमंड 3 पे भी आ जाते हैं, क्योंकि यार आपको पता है मेरे को अभी काम बहुत ज़्यादा है, यार मैं गेम उतना ज़्यादा नहीं खेल पाता हूँ, बट मेरे को ग्रैंड मास्टर तो अचीव करना है, और भाई मेरे को VSS अगेन मिल जाती है, और इस गेम में मेरे को 3 लेवल की मिल गई VSS, मतलब कि मैंने 3 लेवल की VSS कर ली, इसलिए आप लोग देख सकते हो 2 किल मेरे ऑलरेडी हो गए। जिस गेम में मेरे को लेट VSS मिलती ना, उस गेम में मेरे को किल मिलते ही नहीं है, बाकी जिस गेम में जल्दी VSS 1 सेकंड बनता है। और भाई साहब इस गेम में तो अपन लोग को 100 की ग्लोरी कन्फर्म है। तो चलो अभी मेरे को जल्दी से जल्दी VSS में इंडिया जाना है। तो चलो फाइनली 3 किल हो गए, अभी मैं यहाँ पे बॉल डालता हूँ, बंदे कितने बचे? 2। तो चलो एक बंदा यहाँ पे राइट में है, अपन लोग लॉन्चर शिफ्ट करके इसको मारते ड्रॉगन का। भाई ड्रॉगन बहुत गंदी गन हो गई, सिर्फ अभी बीजो नहीं है, थोड़ी अच्छी चलती है, बट मैं ड्रॉगन में भी पुश कर रहा हूँ शॉर्ट रेंज में और लॉन्ग रेंज में VSS में।
तो चलो ए वाला बंदा यहाँ पर आएगा कि नहीं, ए वाला बंदा यहाँ पर आएगा तो इसको मैं आसानी से पेल दूंगा। वहाँ की भाई मेरे गेम आप लोग देख रहे हो भाई, कोई बुइया हो रहा है कोई टॉप टू हो रहा है, मतलब कि अधिकतर गेम टॉप टू बुइया हो ही रहे। तो चलो कोई ना, अभी अपन लोग भाई फोकस करते गेम पर। 3 किल हो गया मेरा और सिर्फ दो बंदे अलावे, मेरे हिसाब से मेरे को ऊपर ही जाना चाहिए। अब आप लोग यहाँ पर देखना भाई, इस वाले बंदे को मैं आसानी से मार सकता था बट मैं नहीं मारता, क्योंकि देखो आप लोग एक गलती कभी मत किया करो, अगर आप लोग लास्ट टॉप 3 में होना तो आप लोग को फाइट नहीं करना है, सिर्फ आपको थर्ड पार्टी करना है, जो सामने दो बंदे उनको फाइट करने दो। जैसा मैंने बोला था बिल्कुल मैं वैसा ही करता हूँ, बट मेरे को लगा मैं गलती कर दिया, बट भाई बाल बाल बच गए, क्योंकि मैं गलती से सिट अप हो जाता हूँ बैठ जाता हूँ, बट एट द एंड मैं भुइया निकाल लेता हूँ। और आप लोग देख सकते हो इस गेम में मेरे को 41 का प्लस मिलता है, और मैं जैसे ही गेम को बैक करता हूँ बढ़ करके फटाफट अपन लोग गेम को बैक करते, अपन लोग डायमंड 4 के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं यहाँ पे। आप लोग देख तो डायमंड 4 के लिए अपन लोग को थोड़ा ही चाहिए प्लस, तो चलो फटाफट अपन लोग सीधा ऊपर आ जाते हैं। कलहारी में पाया था यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पे जून बना था यहाँ पर, तो मैं सीधा इन कंटेनर के ऊपर आ जाता हूँ। और यहाँ पे फटकरगस एक बंदा दिखता है, दो तीन बंदे भाई यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा बंदे, तो एक तो बच गया लेकिन एक दूसरा वाला नहीं बच पाएगा, और दूसरे वाले को मैं नॉक कर देता हूँ। बंदे के पास हैरोज लाने हैं, उसको फटाक से मैं पूरा फिनिश ले लेता हूँ। इसी के साथ 5 किल और 1 सेकंड भाई, एक शॉट और कनेक्ट होता है, ये वाला भी मर जाता। तो चलो फाइनली 5 किल और एक और बंदा दिख गया मेरे को, इसको हेडशॉट कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ। इस गेम में मेरे को VSS नहीं मिली थी यार, क्या ही तो बताऊँ, मैं काफ़ी ज़्यादा ढूंढने का ट्राई किया बट मिली नहीं। तो चलो यार स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ रही, क्योंकि आपको पता है लॉबी काफ़ी ज़्यादा हार्ड आ रही। तो 5 किल तो हो गया, अब मेरे को इसको भी मारना है। और ये वाला बंदा निकला और फाइनली एक हेडशॉट खत्म भाई, 203 का हेडशॉट गला इसको। तो चलो कोई ना, इसी के साथ 6 किल हो गया भाई, ये गेम तो भैया निकालना पड़ेगा, बढ़िया वाला प्लस मिलेगा डायमंड 4 पर शायद मैं इसी गेम में आ जाऊँ। तो चलो वेट, अभी सिर्फ और सिर्फ भाई एक ही बंदा बचा है और टोटल 6 किल हो गए मेरे। और भाई मेरे पास इस बार फिर से 4 की वेस्ट नहीं है, क्योंकि भाई मेरे पास गन स्किन नहीं है ना, तो मैं 4 की वेस्ट ही गेम जीतता हूँ। तो चलो कोई ना, अभी बंदा निकला, इसको पीछे से अटैक करता हूँ इसके ऊपर, और इसके ऊपर पीछे से अटैक किया, इसके पास भी 4 की वेस्ट है, मैक्स 7 का बॉडी भाई जून में गया, बच गया भाई, मेरे को नहीं लग रहा था मैं बचूंगा, गया भाई, क्या हो रहा है मेरे साथ। 1 सेकंड मेरे को पैक करना पड़ेगा और सुपर मेडिकल मारनी पड़ेगी फटाफट, और जून आ रहा है। तो चलो हीलिंग बटल करके अपन लोग इस गेम को निकालते, बट 1 सेकंड में हीलिंग बटल करके इस गेम को नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरे पास मेडिकेट खत्म। अभी मैं वॉल को फटाफट खोलता हूँ और इसी के साथ इसको भाई 1 सेकंड भाई, क्या था ये, दोनों को भैया मिल गया, गजब है भाई। चलो कोई ना, अपन लोग कुछ एक साथ भड़कर गए, इस गेम में 46 का प्लस मिलता है और डायमंड 4 पे आ जाते हैं, और इस गेम में दोनों को भैया मिला, मतलब उसको भी मिला और मेरे को मिला, आप लोग ने देखा। तो चलो भाई, मतलब इतने बढ़िया गेम जा रहे थे, अभी तक मेरा कोई भी गेम ख़राब नहीं किया था। चलो ठीक है, अभी इस गेम में देखना क्या सीन होता है। ठीक है, मेरे पास VSS है और भाई पूरी 3 लेवल की VSS है, और सामने एक बंदा दिखता है, इसको नॉक कर देता हूँ, बट ये वाला बंदा कवर में रहता है, ये वाला बंदा। ठीक है, तो चलो मैं सीधा लॉन्च पैड लेके इसके ऊपर रश करता हूँ, और फटाक्स भर करके इसको वॉल डालता हूँ, और ट्रॉगन लेके इसके ऊपर पूरा रश कर देता हूँ। जैसे ही रश करता हूँ बंदा कवर में रहता है, फिर बच जाता है, लेकिन अगेन मैं इसको डैमेज देता हूँ और बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ ट्रॉगन से। अब आप लोग देखो भाई, ट्रॉगन से बंदे को फिनिश ही करता हूँ, और सामने बंदा आता है मेरे को व्हीकल से ठोक देता है, और बंदा मार देता है। मुँह में थोड़ा छाला है तो बोलने में हल्की सी तकलीफ होती है, और प्लीज़ थोड़ी बहुत इग्नोर कर देना आप लोग। ठीक है, और ये पहला गेम है मेरा जो ख़राब गया और 18 का प्लस मिला। ठीक है, और अब मेरे को बस थोड़ा ही प्लस चाहिए और मैं हीरो एक लगने वाला हूँ, क्योंकि इसके पहले एक गेम और मेरे को 10 का प्लस मिल चुका है, मतलब कि वो गेम भी ख़राब ही गया, और एक गेम में बस मेरे को 10-15 का ही प्लस चाहिए और मैं हीरो एक लग जाऊँगा। वेट, इस गेम में भी मेरे पास VSS नहीं है, बट ऐसे ऐसे सामने एक बंदा दिखा, अब भाई मैं बिल्कुल भी गलती नहीं करूँगा, इसको मारूँगा तो हेड ही मारूँगा। बंदा हलचल कर रहा है, थोड़ा सा टाइम दे दे इसको, और फाइनली इसने मेरे को टाइम दे दिया, मतलब कि ये बंदा थोड़ा सा मेरे को टाइम देता ना और मैं मार देता, और फाइनली इसने मेरे को थोड़ा ही टाइम दिया और इसको हेडशॉट मिला के मैं मार दिया। तो चलो इसी के साथ अपन लोग का 1 किल हो गया, और बस मेरे को थोड़ा ही प्लस चाहिए था, और मैंने टॉप 2 भी कर लिया, तो अब मेरे को भाई थोड़ा प्लस मिल जाएगा, मतलब कि मैं हीरो एक इस गेम में लगने वाला हूँ। तो चलो देखते, अब इस गेम में बुइया हो जाए तो और भी बढ़िया रहेगा यार, हीरो एक भी लगने वाला हूँ और बुइया भी हो गया तो और भी बढ़िया रहेगा। और सिर्फ दो बंदे अलावे, तो एक बंदा तो अपने ऊपर है और एक बंदा नीचे, तो चलो मैं जल्दी नीचे चलता हूँ, क्योंकि भाई बाद में दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। और भाई बिल्कुल यार रॉन्ग होता है मेरे साथ, मैं सोच रहा था कि शायद पुल पर थोड़ा सा जोन होगा तो मैं अभी नीचे नहीं जाऊँगा, और ऐसा नहीं होता, जोन नहीं रहता, और भाई मैं बिल्कुल इसी की तलाश में था कि थोड़ा सा जोन पुल पे होगा और मैं वहीं पर रुक जाऊँगा और फिर मैं बाद में नीचे जंप करूँगा, और इसी कारण मैं इस गेम को भुइया मिस कर देता हूँ। रात में नींद भी बहुत आ रही थी तो यार इसलिए गेम को मैं भुइया मिस कर देता हूँ, और इसके साथ 25 की प्लस मिलती और मैं हीरो एक भी अचीव कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 18 से 19 हो गया, और अभी अपन लोग फटाफट बैक करते। तो फाइनली यार सक्सेसफुली अपन लोग ने सीजन 39 में हीरो एक अचीव कर लिया। जी हाँ, मतलब कि यार अगर मैं 3 बजे से गेम खेलता ना जब से सीजन आया था, तो अभी तक तो मैं हीरो के 1-2 स्टार कर लेता, बट कोई ना, आज की वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग लाइक सब्सक्राइब कर